जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड और क्या क्या फ्री जर्नल है क्वार्टाइल 4 का, उसी को चेकआउट करेंगे। जो कि आप देख सकते हो कि साइट स्कोर 0.9 से लेके हम लोग डिस्कस करेंगे साइट स्कोर 1.1 तक। इस बीच में 6 जर्नल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला वाला जर्नल का नाम है फूड इंजीनियरिंग, 2022 से लेके 2024 बहुत लाटेस्ट वाला है जर्नल, और आपका जॉन विलियम सन्स का पब्लिशर का, तो अच्छा खासा पब्लिशर हाउस का जर्नल है। यहाँ पे अगर रिसर्च एरिया अगर देखोगे तो फूड साइंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। अगर साइट स्कोर ट्रैकर का देखोगे 2024 का, जो कि जून महीना में अपडेट होता है, इस महीना में ही अपडेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1.4 साइट स्कोर हो चुका है। और ये वाला जर्नल को आप कैसे देखना है कि फ्री है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फूड इन बायो इंजीनियरिंग को आपको जाके गूगल में जाके सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद इस तरह का यहाँ पे लिंक आ जाता है, इस लिंक को आप खोल के उसका वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। वेबसाइट इस तरह का खोलेगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, उसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है कि देखो तो दिस जर्नल डज नॉट चार्ज सबमिशन फी। ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ पे आपको मिलेगा, ये वाला इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो कि ऑथर गाइडलाइन में आपको जाना पड़ेगा। तो ये वाला पेज अगर खुल गया होगा तो ठीक है, यहाँ पे अबाउट में जाइए, अबाउट, और अबाउट में जाइए ऑथर, ऑथर गाइडलाइन में जाना पड़ेगा। ऑथर गाइडलाइन में आप क्लिक करोगे, ऑथर गाइडलाइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना पड़ेगा और सबमिशन रिव्यू प्रोसेस में लिखा है कि दिस जर्नल डज नॉट चार्ज सबमिशन फी। ऐसा मतलब इसका मतलब नहीं है कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज फी होगा, तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा है। तो नीचे यहाँ पे लिखा है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा है कि द आर्टिकल पब्लिकेशन चार्ज इज वेव्ड फॉर एक्सेप्टेड मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम 2022-24, मतलब ये 2 साल के लिए सिर्फ है, 2025 के बाद यहाँ पे एपीसी चार्जेस होगा। अगर आपका रिसर्च एरिया यहाँ पे है कहाँ पे, ना फूड साइंस के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग के ऊपर है, जॉन एंड विलियम्स में पब्लिश करना चाहते हो, अच्छा खासा जर्नल है, अच्छा खासा नाम उसका है, अगर करना चाहते हो तो अभी फ्री है 2024 का, लेकिन 2025 में वो एपीसी चार्जेस करेगा। टाइम देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। एक रिसर्च पेपर में डाउनलोड करके रखा था, उसको मैं दिखा रहा हूँ टाइम के बारे में। यहाँ पे थोड़ा लोड होने दीजिए। इस तरह का जब रिसर्च पेपर कैसे ढूंढेंगे ना, यहाँ पे चले जाओ, ब्राउज में चले जाओ और यहाँ पे करंट इशू में चले जाओ। करंट इशू में जाने के बाद जो 2024 का लेटेस्ट वाला पेपर आएगा, उस पेपर को जाके आप क्या कर सकते हो कि इस तरह का रेसिस पेपर को आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया होगा, हाँ यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का डाउनलोड होके आ जाता है। और यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा है कि जो रिसीव हुआ था 30 नवंबर 2023 में हुआ था, और जो एक्सेप्ट हो गया था 2024 में हो गया था। लगभग यहाँ पे 4 महीना टाइम लगा है रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश होने के लिए। तो इस जर्नल को आप सबमिट कर सकते हो अगर फूड साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग के रिलेटेड अगर यहाँ पे आप रिसर्च वर्क करके रिसर्च पेपर है, तो ये वाला जर्नल आपके लिए अच्छा खासा सुटेबल होगा। चलते हैं जर्नल नंबर 2 के ऊपर। जर्नल नंबर 2 इस तरह का आपका आ जाएगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री लेटर्स, 2010 से लेके 24 तक, 14 साल का पुराना वाला जर्नल है, कोरियन सोसाइटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री आईएसएन नंबर दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रिसर्च वर्क सबमिट होता है। 0.9 साइट स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 2023 के हिसाब से, अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, फिर भी आप सबमिशन करो, ठीक है। साइट स्कोर ट्रैकर 2024 के हिसाब से 0.7 है। इसको आप क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्ट आप वेब ऑफ साइंस में जाके चेकआउट कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस में कैसे जाना है, ये वाला पेज कैसे आएगा, अभी ब्लैंक दिखा रहा है, ये वाला पेज कैसे आएगा, क्योंकि ये वाला पेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन डायरेक्ट बता देता है कितना टाइम लगेगा, 30 वीक्स लगाएगा लगभग, यहाँ पे 6 से 7 महीना, इस तरह का 7 महीना टाइम लगाएगा। और इंडेक्सिंग के बारे में देखोगे ये पर्टिकुलर जर्नल का इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे जर्नल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाता है, विजिट साइट का आपको लिंक मिल जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक कर
सकते हो, तो उसका वेबसाइट में उसको चला देगा। इशू पर ईयर भी क्लियरली बता देता है कि 4 इशू साल में निकलता है, प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए, उसके बारे में भी ये क्लियरली बताया। अगर जर्नल का देखोगे ऑरिजिन, यहाँ पे इंडिया का, ये हमारा देश का ये जर्नल है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह का उसका वेब पेज आ जाएगा, जर्नल ऑफ मेडिकल फिजिक्स। ये की कैसे आ गया, हम लोग का था मास स्पेक्ट्रोमेटर लेटर, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, जर्नल ऑफ मेडिकल फिजिक्स के ऊपर ये दिखा रहा है। एक काम करते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि ISIN नंबर को मैं कॉपी करूँगा और रिटर्न सर्च रिजल्ट में जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सर्च करूंगा, यहाँ पर आ गया मास स्पेक्ट्रोमेट्री लेटर्स, यहाँ पे देख सकते हो ये आया है, ठीक है, साउथ कोरिया का। इसलिए मुझे डाउट लगा, यहाँ पे मैं बताया ना आपको कोरियन सुसाइड, तो मुझे डाउट लगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैं टैब खुल के रखा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 घंटा बैठ के यहाँ पे ये टैब खुल के रखा हूँ, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 6 जर्नल का इन्फॉर्मेशन रखा हूँ, तो इसलिए कभी कभी गलत हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ भी कर देना, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 6 वीक है साउथ कोरिया का। 6 वीक मतलब कितना, 1.5 महीना, 1 महीना, 1 महीना, 1 मंथ, 1 वीक और 2 वीक के अंदर यहाँ पे रिसर्च वर्क एक्सेप्ट हो जाता है। इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग मिल जाएगा इंग्लिश में, यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट होता है। जर्नल का वेबसाइट दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट के पास वो लेके चला जाएगा, ठीक है। ये वाला आया था, ये वाला मैं खुल के रखा था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी लेटर्स। यहाँ पे आप ऑथर इंस्ट्रक्शन में जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो ऑथर इंस्ट्रक्शन में जाओगे, ऑथर इंस्ट्रक्शन में जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो कि पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में बोला है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, अगर देखोगे यहाँ पे लिखा है कि ऑल द पेपर विल बी पब्लिश्ड फॉर फ्री विदाउट एनी पेमेंट और पेजेस और चार्जेस आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। तो क्लियरली बोला है कि पैसे चार्जेस नहीं करता है, 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च वर्क एक्सेप्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से पता चला 6 वीक के अंदर पब्लिश हो जाता है। तो ये जर्नल अगर आपका जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बायोलॉजी के एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट करके 1.5 महीने के अंदर आपका रिसर्च आपका पब्लिश हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3 में। जर्नल 3 को थोड़ा सा लोड होने दीजिए। जर्नल का नाम है नोवोटवरी 1960 से 2024, खतरनाक, मतलब कितना, 64 साल पुराना वाला जर्नल है, कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 0.9 साइट्स करें, अच्छा खासा पुराना वाला जर्नल है। यहाँ पे अगर रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो बहुत अच्छा खासा रिसर्च पेपर आपका रहेगा। भाया अमेरिका उसका पब्लिशर का नाम है, ISIN नंबर दिया है, और यहाँ पे ऑंकोलॉजी के रिलेटेड और कैंसर रिसर्च के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क पब्लिकेशन होता है। साइट स्कोर देखोगे अभी 1.0 हो चुका है, साइट स्कोर ट्रैकर 2024 के हिसाब से। इसको आपको क्या करना है, सिंपल जाके इसको सिलेक्ट करना है और सर्च इन गूगल में जाना है। सर्च इन जाने के बाद इस तरह का आपका लिंक आ जाएगा, इसका वेबसाइट को आप क्लिक करके उसके खोल सकते हो, उसका वेबसाइट को। वेबसाइट को खोलने के बाद थोड़ा सा लोड हो रहा है, देखते हैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हो पब्लिकेशन फी को मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा था। करेंटली देयर इज नो चार्ज फॉर मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन और पब्लिकेशन इन नॉट वरी जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी। तो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। तो ये वाला कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अबाउट में चले जाइए, ठीक है। अबाउट में जाने के बाद उसका वेबसाइट खुलेगा जब, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए और यहाँ पे पब्लिकेशन फी के बारे में लिखा है। जब आप क्लिक करोगे तो उसका डायरेक्ट वेबसाइट में वो आपको पहुँचा देगा कि पैसे चार्जेस, पब्लिकेशन APC चार्जेस पूरा कम्प्लीटली फ्री है। नेक्स्ट देखते हैं टाइम कितना लगता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जा सकते हैं कि कंटेंट में और ऑनलाइन फर्स्ट जो अभी पब्लिश हुआ है लेटेस्ट वाला 2024 का, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका पेज को वो डायरेक्ट कर देगा। वहाँ पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसका एक रिसर्च पेपर को हम लोग डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जाके देखेंगे कि कब रिसीव हुआ तक और कब एक्सेप्ट हुआ था। इस तरह का आप 2024 का यहाँ पे देख सकते हो, मई 2024 लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है, जून 2024 इस तरह का हुआ है। तो यहाँ से एक रिसर्च पेपर में डाउनलोड किया था, और यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेप्ट और रिसीव और सबमिशन और एक्सेप्ट का यहाँ पे लिया है। देखो सबमिशन हुआ था 2024 मार्च महीना में, और यहाँ पे पब्लिश हो गया था, एक्सेप्टेड भी उसी एक दिन के अंदर हुआ था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबमिटेड और एक्सेप्टेड एक दिन के अंदर हुआ था, वो शायद एडिटर ने एक्सेप्ट किया होगा, नहीं तो एक दिन में कभी कभी
कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते, इतना शॉर्ट टाइम में नहीं करते। तो हम लोग दूसरा वाला देखेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला एक रिसर्च पेपर को देखेंगे, जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर के अंदर चलते हैं। रिव्यू आर्टिकल एक तो है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन इन ऑन्कोलॉजी, कैंसर के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क हुआ है, क्या क्या आप मतलब न्यूट्रिशन ले सकते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके वो लोग रिसर्च पेपर लिखे। तो ये रिसर्च पेपर को डाउनलोड होने दीजिए। इंटरनेट स्लो हो गया क्या? यही होता है मेरे साथ, नेट स्लो हो जाता है, क्या करेंगे। तो लगभग यहाँ पे जैसे टाइम मिला है उसी हिसाब से आप देख सकते हो कब सबमिशन हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसी हिसाब से आप खुद का क्या कर सकते हो कि डिसाइड कर सकते हो कि इस जर्नल में टाइम के हिसाब से फ्री तो है, पुराना वाला जर्नल है, अच्छा खासा पुराना वाला 64 ईयर पुराना वाला जर्नल में पब्लिश करना बहुत मतलब खुश नसीबी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर साउथ एशियन जर्नल ऑफ कैंसर 2012 से लेकर 2024 तक, इसमें स्कोपस का कवरेज है। और आईएसएन नंबर अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड, कैंसर रिसर्च के रिलेटेड यहाँ पे भी रिसर्च वर्क होता है। 1.0 साइट स्कोर 2023 के हिसाब से अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, 0.9 हो गया। और ये वाला जो जर्नल है आपका स्कोपस में मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का भी मिल जाएगा। तो आईएसएन नंबर को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, कॉपी करने के बाद आप वेब ऑफ साइंस में जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्टिंग में वेब ऑफ साइंस का इस वाला पेज को कैसे आना है उसके बारे में अच्छा खासा मैं बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल वेबसाइट दे दिया है और एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 35 वीक बोल रहा है, 35 वीक, मतलब आप अगर देखोगे 8-7 महीना 8 महीना इस तरह का टाइम लगेगा। प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे बोला है कि भाई इंग्लिश है और यहाँ पे इशू पर ईयर 4 निकलता है। ठीक है, इसको जगह आप चेकआउट कर सकते हो कैसे, विजिट साइट में आप अगर क्लिक करते हो तो अगर इंडेक्सिंग देखोगे तो इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका वेबसाइट ये वाला खुल जाएगा और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एम एंड स्कोप में जर्नल में जाना पड़ेगा, एम एंड स्कोप में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल जाएगा कि भाई चार्जेस देखो एपीसी इन पाउंड फ्री है, तो पैसा चार्जेस नहीं करता है। 35-35 वीक लगेगा, इसका मतलब लगभग आपको 8 महीना टाइम लगेगा ये वाला जर्नल साउथ एशियन जर्नल ऑफ कैंसर में पब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन 1.1 साइट स्कोर है 2011 से लेकर 2024 तक है। फूड साइंस, इकोलॉजिकल मॉडलिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बीओएल में अगर जाएंगे तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क आप एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इस रिलेटेड आप यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। साइट स्कोर ट्रैकर में अगर जाएंगे थोड़ा सा डिक्रीज हो गया 2024 के हिसाब से 0.8, ये वाला भी जो है आपका वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग भी मिल जाएगा, स्कोपस का भी इंडेक्सिंग मिल जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, सिंपल चीज आईएसएन नंबर कॉपी करना है और जाके वेब ऑफ साइंस पे सर्च करके ये वाला पेज में आना है। ये वाला पेज में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कितना टाइम लगता है, एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 12 वीक, मतलब 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च वर्क आपका क्या होगा कि पब्लिश हो जाएगा। अगर देखोगे इंडेक्सिंग के बारे में, ये बायोलॉजिकल आफ्टर और बायोसिस प्रीव्यू के ऊपर इंडेक्सिंग दिया है। इशू पर ईयर में देख सकते हो 2 इशू निकलता है, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है, उसको जाके आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट में पहुंचा देगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर, यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर दिया है, इसको आप अगर क्लिक करते हो तो पब्लिकेशन इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन इज फ्री ऑफ चार्ज, नो फीस आर रिक्वायर्ड फॉर रिव्यूइंग और पब्लिकेशन। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे खास से दिखाई दे। तो यहाँ पे फ्री में यहाँ पे आप सबमिशन कर सकते हो, पब्लिकेशन के लिए चार्जेस नहीं लेते। तो यहाँ पे ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन, जो कि 12 वीक 2 महीना 2.5 महीने में आपका रिसर्च वर्क क्या हो जाएगा कि एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायो ऑटोमेशन का आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट वाला जो जर्नल आज का वीडियो का, जर्नल ऑफ मेडिकल फिजिक्स 2006 से लेकर 2024 तक यहाँ पे स्कोपस का कवरेज है। यहाँ पे रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, इमेजिंग, उसके बाद बायोफिजिक्स के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है। तो यहाँ पे रिसर्च सबमिट कर सकते हो। 1.1 साइट स्कोर है, 0.9 साइट स्कोर 2024 का ट्रैकर के हिसाब से है। ठीक है, 2024 चल रहा है तो यहाँ पे सबमिशन करो, कुछ टेंशन का नहीं है। इसका भी आप देखोगे तो वेब ऑफ साइंस का है, तो इसको आप कॉपी करके वेब ऑफ साइंस पे जाके चेक कर सकते हो, जर्नल ऑफ मेडिकल फिजिक्स। और अगर देखोगे एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 30 वीक लिखा है, 7 से 8 महीना इस तरह का टाइम लगेगा। इंडेक्सिंग के बारे में अगर देखोगे तो ESI आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग। इशू पर ईयर अगर देखोगे, इशू पर ईयर यहाँ पे 4 इशू निकलता है साल भर। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश दे दिया है तो इंग्लिश में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो।
बिजी साइट का यहाँ पे लिंक दे दिया, अगर क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट के अंदर वो लेके चला जाएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो ये वाला पेज में उसका आते हो जर्नल का, दिस जर्नल डज नॉट चार्ज सबमिशन प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन आर्टिकल फी, तो पैसा चार्जेस नहीं करता है। तो मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ आपके लिए भाई फ्री वाला जर्नल में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो एक तो भाई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट रहता है और पैसा चार्जेस करते हैं अगर ओपन एक्सेस में, ये ओपन एक्सेस जर्नल है, ये आपका रिसर्च कोई भी पढ़ सकता है, जितना भी दिखाता हूँ ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में दिखाता हूँ, कोई इसके ऊपर रिसर्च करके कोई किसी को बताता नहीं। मैं मेरा टाइम, क्योंकि मैंने मेरा लाइफ में जो पीएचडी लाइफ में मैं जो स्ट्रगल किया हूँ वहां पे देखा हूँ कि जर्नल कहाँ पे डालू वो वाला इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। आपका रिसर्च गाइड बताएगा, मेरा रिसर्च गाइड एक रिसर्च पेपर जर्नल के बारे में बताया था, वहां पे मैं डाला हूँ, रिवीजन आया है, देखते हैं क्या होगा, वो वाला चीज अलग है, लेकिन खुद से जब ढूंढोगे वहां में नहीं मिलता है। अगर रिसर्च गाइड बताता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बताया तो उसके बाद क्या करोगे, आके यूट्यूब में जाके सर्च करोगे मेरे पास आओगे तो इस तरह का आपका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्री वाला जर्नल में आप रिसर्च वर्क अपना सबमिशन कर सकते हो और रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। ये वाला वीडियो यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, जय जगन्नाथ, व्हाट्सअप लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।